जोड़िए अपनी दुकान को mygadhwa.com से और बढ़ाइए अपना बिजनेस। दुकान जोड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9525338184। चेनिया प्रखंड के बेता पंचायत के ग्राम बेता में 10 वर्षों से सिर्फ बिजली का पोल ही है, तार का कहीं कोई अता पता नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार बेता पंचायत के ग्राम बेता के पड़हिया टोला में लगभग 15 से 20 घर हैं। आज के करीब 10-12 साल पहले यहां बिजली के लिए लगभग 50-55 पोल खड़ा किया गया था, जो कि अभी तक खड़ा ही है। इस पोल में आज तक बिजली विभाग या ठेकेदार के द्वारा कभी भी इस खड़े पोल में तार नहीं लगाया गया, जिससे परहिया टोला के लोग आज भी ठिबरी जलाने को विवश हैं। यहाँ के लोगों के साथ एक भद्दा सा मजाक किया गया है यही है यहाँ के लोगों की असली जिंदगी और सच्ची बयान करती सच्ची तस्वीरें। क्योंकि कहा गया है ना, साहब की तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। सरकारें तो हमेशा बोलती हुई नजर आ जाएगी कि साहब हमारी सरकार में बिजली हर घर के हर कोने में पहुँचा रही है, लेकिन ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर ही रह गई है। सरकार का बिजली पर जो दावा है वो साफ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण अनुज परहिया, श्रीराम परहिया, कैलाश परहिया, चलितर परहिया, शिव कुमार परहिया ने अपने गांव में बिजली को लेकर काफी रोष प्रकट किया है। ये जो बिजली का पोल पड़ा हुआ है ये कितने दिनों से है? ये तो 12-13 साल से पड़ा हुआ है सर। तो इस बिजली के पोल में मतलब अभी तक तार नहीं लगाया है? नहीं लगा। तो आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं लेकिन नहीं अभी तक भी। तो आप लोग बिजली कैसे जलाते हैं? हम लोग जला ही नहीं रहे हैं, हम लोग ऐसा ही आज तक से पड़े हैं। तो मतलब और जगह तो बेता में बिजली है तो जल रहा है, और जगह तो उधर तार खींचा गया है, लेकिन हम इधर जो है परहिया टोला में भी मतलब ये परहिया टोला हुआ जी, परहिया टोला में भी नहीं किया तार कब। परहिया टोला मतलब केवल पोल भर खड़ा हुआ है? केवल पोल भर खड़ा हुआ है 12-13 साल। जो की लगभग कितना पोल यहाँ पे लमसम खड़ा है? लमसम देख रहे हैं कि 50-60 को पोल खड़ा होगा इधर। बस सिर्फ पोल भर खड़ा है, इसमें तार अभी तक नहीं लगा। ठेकेदार केवल पोल भर खड़ा है, ठेकेदार के द्वारा मतलब तार नहीं खींचा गया अभी तक? नहीं खींचा गया। ठीक है, धन्यवाद।